आप बहुत सारे सीनियर क्लास के मैथमेटिक्स के सिंबल्स वगैरह यूज करके उस जैसे आपको ये सवाल आता होगा शायद, आता है? आप नॉर्मल टेक्स्ट में वर्ड में ऐसा नहीं कर सकते। एक चीज और, अगर किसी का जैसे मान लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे लिखते हैं तो इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्या बोलते हैं? पहले ये बात समझो, आपकी कॉपी की ये लाइनिंग है, आप यहां पर ए प्लस बी लिख रहे हैं, ये सारा ऑब्जेक्ट बेस लाइन को टच करता है, आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन यह बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो जो बेस लाइन से ऊपर होगा सुपर स्क्रिप्ट, कहीं लिख के एग्जाम्पल लिखिए, इस टू को डैश देके लिखिए सुपर स्क्रिप्ट, ये भी करवा लीजिएगा मुझसे, इस टू को केवल, ये सारा नॉर्मल टेक्स्ट है, इस सिर्फ टू को डैश देके आप लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सेम कंडीशन में यहां आप देखें, यहां टू बेस लाइन से नीचे है, इसको बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। हम साइड हट जाएंगे तो लिखेंगे कैसे? डन। लेकिन यह सुपर स्क्रिप्ट का भी सुपर स्क्रिप्ट है, तो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ऐसा आपको टाइप करके नहीं दे सकता, इसके लिए आपको मैथ इनपुट टूल की जरूरत पड़ेगी, ये करके देखेंगे ठीक। स्नाइपिंग टूल, स्नाइपिंग SNIPPING, स्नाइपिंग टूल SNIPPING, स्नाइपिंग टूल SNIPPING टूल, या किसी भी खास एरिया को कट करके सेव करने में बहुत हेल्प करता है, मतलब स्क्रीन है और क्रॉप एक, हाँ क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप कर सकते हो ठीक है। तो क्रॉप का मतलब होता है जैसे आप अगर आप कैमरा से इमेज खींचते हैं तो क्रॉपिंग एक सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता है, बात सही है, लेकिन मुझे बीच का गोल वाला हिस्सा काटना है वहां क्रॉप फेल हो जाएगा, तो वहां क्या काम आएगा? स्नाइप, ठीक, क्लियर है? तो ये भी करके देख लेंगे क्रॉपिंग टूल।